मायगलगंज कोतवाली में महिला के साथ हुई छेड़छाड़ का मामला अभी तक पुलिस ने नहीं किया दर्ज। पीड़ित महिला थाने से लेकर कप्तान ऑफिस के काट रही है चक्कर। दबंग अपराधियों पर कार्रवाई करने में नाकाम कोतवाली पुलिस मायगलगंज। जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली मैगलगंज में महिला ने रात में अपने साथ गांव के दबंग लोगों द्वारा रात में छेड़छाड़ किए जाने का प्रार्थना पत्र कोतवाली मैगलगंज में दिया था। महिला का प्रार्थना पत्र दिए लगभग 2 सप्ताह बीतने को है। मैगलगंज पुलिस द्वारा FIR दर्ज करना तो दूर, मौके का मुआयना तक नहीं किया गया। महिला का आरोप है थाने में महिला को कई कई दिनों तक बुलाकर काफ़ी समय तक बैठाया गया। महिला ने यह भी बताया थाने में पुलिस के द्वारा सुलह समझौता बनाए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। संबंधित थाने में ही महिला को प्रार्थना पत्र वापस लिए जाने के लिए डरा धमका रहे थे। महिला रात को गांव के ही डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जा रही थी, जहां पर गांव के ही कुछ अराजक लोगों ने महिला के साथ अभद्रता की व छेड़छाड़ भी की, जिसकी महिला ने लिखित शिकायत कोतवाल मैगलगंज में की थी। मैगलगंज मामला कुछ भी हो, पुलिस ने किसी भी प्रकार की अभी तक जांच करके कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि उक्त घटना के साक्षात गवाही मौजूद और बता रहे हैं महिला के साथ छेड़छाड़ इन लोगों ने की, फिर भी पुलिस मैगलगंज बनी मूक दर्शक। मैं दवाई लेने जा रही थी अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चे थे मेरे और मैं थी, तो वहाँ कहाँ को जा रही थी दवाई लेने? गांव के बाहर डॉक्टर की दुकान है वहीं पे, रात का समय था और वहाँ बैठे थे दवाई लेकर। जब दवाई लेने जा रही थी तो वहाँ पर चुनाव ही रंजिश के लेकर तो गौरव शुक्ला आज तो इसलिए छेड़छाड़ की और गिलास पैसे निकाल लिए मेरे, तो वहाँ उसे लेकर मैं कोतवाली थाने में गई। वहाँ 1000 रुपये छीने हैं और हमारी साइकिल छीन ली जी। कोतवाली में दिया तो सर बुलाया और कुछ नहीं, कोई बैठाते हैं छोड़ देते हैं बार बार, वहाँ भी बहुत बेइज्जती। इस संबंध में उच्च अधिकारी को अवगत कराया जी? किसको दिया प्रार्थना जी? क्या नाम, लखीमपुर में दिया SP को। क्या कार्रवाई रही उनके द्वारा? कुछ नहीं, पूछताछ हुई बस, वो लोग पूछताछ हुई वहाँ से तो भाई बुलवाया सर, सुबह के बैठे बैठे शाम हो गई, घर चल गए फिर बुलवाया, कुछ नहीं हुआ, बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं हुआ। वहाँ वो क्या नाम महादल वाले और समाज के नेता हैं, क्या नाम गौरव शुक्ला और सपा के नेता हैं गौरव शुक्ला, इन लोगों ने 20-25 लोग थे, ये सपा के नेता थे और महादल के थे 20-25 लोग मौर्या लोग, इन्होंने कहा कि सुलह समझौता करो। जो कहाँ पे कहा है, कहाँ थे ये लोग? थाने में थे सर। आप भी वहाँ थे क्या? जी, मैं मुझे बुलाया था तो मैं गई थी। बताइए। और उन लोगों को भी बुलाया था, लेकिन वो लोग वहाँ पूरी टीम लेके पहुँचे, तो वहाँ सुलह समझौता कराने के लिए जो मैंने बोला नहीं करेंगे, हमारा उनका कोई फैसला हमारी सुनवाई नहीं तो हम क्यों करेंगे, तो कहीं नहीं करोगे तो जान से ख़त्म कर देंगे। बहुत थाने के किसने कहा? गौरव शुक्ला ने और राजू शुक्ला और राजेश मौर्या बनवारी मौर्या। लगभग कितने लोग थे? राहुल शुक्ला उन्होंने कहा, करीबन 20-25 लोग थे सर थाने में, दुर्गा जी के सामने कहा। और फिर घर को आ रहे थे थाने के बाहर बोला राहुल शुक्ला और बनवारी मौर्या और राजेश मौर्या ने कहा कि बूटी काट के फेंक देंगे हम तुम्हारी, हमारा कुछ नहीं होगा। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? मैं ये मांग करती हूँ मीडिया वालों से, शासन प्रशासन से, कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाएं बस। और अपने लड़के साथ मैगलन निमंत्रण हम गया था, वापसी हम आ रहे थे तो ये गल्ला खरीदने में राजेश सनाब श्रीराम उनका लड़का इलाज कर रहा है वहाँ के लिए दवा लेने के लिए गई थी, तो बनवारी सनाब हजारी गांव के मौर राजेश वर्धन ये छेड़छाड़ कर रहे थे, पैसे भी छीन लिए और साइकिल भी छीन ली और दो एक हाथ भी मारे। हम